गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर फोर और ज्योग्राफी. ज्योग्राफी का चैप्टर फोर स्टार्ट करेंगे आज हम एयर प्रेशर एंड विंड्स. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम एयर प्रेशर और जो विंड्स होती हैं, हवाएं होती हैं, इनके बारे में देखेंगे. ठीक है, द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट ऑन दैट इट हैज़ एन एटमोसफियर कंटेनिंग ऑक्सीजन इन अबेंडेंस. दिस फैक्ट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. Though we cannot see it, but the atmosphere is interested due to a number of things. ठीक है, जो अर्थ है वो यूनिक प्लैनेट जो है माना जाता है. क्यों? क्योंकि जो है अर्थ पे जो है ऐसे सारे सर्कमस्टांसेस है, एटमोसफियर है, जिसकी वजह से जो लाइफ है वो अर्थ पर पॉसिबल है. ठीक है, एयर हैज़ वेट एंड इट ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर, बट वी रेडली फील इट. जो अर्थ एयर है उसमें जो है वजन भी होता है, ठीक है, और ये जो है प्रेशर भी लगाती है. ठीक है, पर हम जो है बहुत ही कम इसे फील कर पाते हैं. विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एयर बिकम्स लाइटर एंड बिगेंस टू मूव अपवर्ड्स इन द स्काई. ठीक है, जब हवा जो है टेम्परेचर की वजह से जब गर्म हो जाती है तो वो लाइट हो जाती है, यानी हल्की हो जाती है, और उसके बाद जो है वो ऊपर की तरफ जाती है. ठीक है, दो द एटमोसफियर एक्सटेंड्स अ लिटिल बियॉन्ड 1600 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमोसफियर इज विद इन 32 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. जो 1600 किलोमीटर तक जो अर्थ सर्फेस है वो, ठीक है, फैला हुआ है, और 99% जो है टोटल मास अर्थ सर्फेस का वो 32 किलोमीटर में है. द कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफियर इज रिलेटिवली कॉन्स्टेंट इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर. एंड ज़्यादातर जो कंपोजिशन होती है एटमोसफियर की वो लोअर लेयर में होती है. द एटमोसफियर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ एयर विद वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर. विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एयर बिकम्स लाइटर एंड बिगिन्स टू मूव अपवर्ड्स. कोल्ड एयर इज डेंस एंड हैवियर. ठीक है, जो हवा है एटमोसफियर में जो है वो टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि अगर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा तो वो हवा जो है वो गर्म हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठेगी. वहीं पर अगर जो टेम्परेचर है वो लो होगा तो हवा ठंडी होगी, डेंस होगी, हैवी होगी तो वो नीचे रहेगी. ठीक है, एटमोस्फेयरिक प्रेशर. द एटमोस्फेयर इज फिल्ड विद एयर विच हैज़ अ लॉट ऑफ वेट. ठीक है, जो एटमोस्फेयर है उसमें बहुत सारी जो गैसेज हैं उससे वो फिल्ड है. ठीक है, और जिस एटमोस्फेयर का अपना वेट भी है. द एटमोस्फेयर रेस्ट ऑन अर्थ सर्फेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. अब जब अर्थ में वेट है, सॉरी एटमोस्फेयर में वेट है, यानी हवा में वजन है, तो जो है वो किस तरीके से जो है अर्थ पर पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो एटमोस्फेयर है वो अर्थ पर बना रहता है. हैंस इट एक्सर्ट्स इट्स वेट एज प्रेशर ऑन अर्थ सर्फेस. एटमोस्फेयरिक प्रेशर इज दस द वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर एट एनी गिवन प्लेस एंड एनी टाइम. And time. However, we do not feel it because it is exerted equally in all direction. जो हवा है वो चारों तरफ से प्रेशर लगाती रहती है, हम इसे फील नहीं कर पाते क्योंकि प्रेशर सिर्फ एक तरफ से नहीं, हवा हमारे चारों तरफ है तो हमें चारों तरफ से लग रहा होता है, इस वजह से जो है हम इसे फील नहीं कर पाते. बट जो हवा है वो प्रेशर भी लगाती है. एटमोस्फेयरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर. एटमोस्फेयरिक जो प्रेशर है वो बैरोमीटर के थ्रू जो है मेजर किया जा सकता है. इट इज़ मेजर्ड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया. द यूनिट्स यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिस्ट फॉर दिस पर्पस आर कॉल्ड मिलीबार्स. ठीक है, जो यूनिट यूज़ किया जाता है एटमोस्फेयरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए वो क्या है? मिलीबार, जिसे हम MBV कह सकते हैं. अ प्रेशर ऑफ 1000 मिलीबार्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ 1.053 किलोग्राम्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, तो एक जो 1000 मिली बार है वो इस इतने जो है किलोग्राम के इक्वल होता है. ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ कॉलम ऑफ मर्करी 75 सेंटीमीटर्स हाई. ठीक है, यहाँ पे बैरोमीटर का पिक्चर भी आपको दिया हुआ है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमोस्फेयरिक प्रेशर इज शोन ऑन अ मैप बाय आइसोबार. जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटमोस्फेयरिक प्रेशर का वो हमें मैप में आइसोबार के थ्रू दिखता है. एंड आइसोबार इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ थ्रू प्लेसेस हैविंग इक्वल एटमोस्फेयरिक प्रेशर रिड्यूस द सी लेवल. ठीक है, जो एटमोस्फेयरिक प्रेशर को शो करने वाली जो आइसोबार्स होती हैं, ठीक है, वो एक इमेजिनरी लाइन होती हैं, और इसको शो करने के लिए जो सी लेवल है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है. क्लोज स्पेसिंग ऑफ आइसोबार इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट. जो क्लोज स्पेसिंग होती है आइसोबार की वो स्ट्रॉन्ग प्रेशर को जो है इंडिकेट करती है, वाइल वाइड स्पेसिंग सजेस्ट अ वीक ग्रेडियंट. ठीक है, वहीं पर जो वाइड स्पेसिंग होती है
वो जो है आइसोबार की वो वीक जो है प्रेशर को उसको शो करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर। डिस्ट्रीब्यूशन जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर का वो कैसे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नॉट यूनिफॉर्म ओवर द अर्थ सर्फेस, इट वेरीज वर्टिकली अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड एज वेल एज हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू द ग्राउंड। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटमोस्फेरिक का वो वर्टिकली भी होता है और हॉरिजॉन्टली भी होता है। अब एक ही करके वर्टिकली देखेंगे फिर हॉरिजॉन्टली देखेंगे। वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन, एयर बींग अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज हाईली कंप्रेसिबल। जो एयर है उसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं जो कि कंप्रेसिबल है, ठीक है, जिसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। इट्स डेंसिटी इज देयरफॉर ग्रेटेस्ट एट द लोअर लेयर वेयर इट इज कंप्रेस्ड अंडर द मास ऑफ एयर अबव। ठीक है, जो लोअर लेयर्स होती है वहाँ पे जो है इसकी कंप्रेसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। एज अ रिजल्ट द लोअर लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर हैव हाई डेंसिटी एंड हाई प्रेशर। इसी वजह से जो लोअर लेयर एटमोसफेयर की होती है वहाँ पे हाई डेंसिटी होती है हवा में और हाई प्रेशर होता है। इन कॉन्ट्रास्ट द हायर लेयर्स आर लेस कंप्रेस्ड। जो हायर लेयर्स होती है वो लेस कंप्रेस्ड होती है एंड हैंस हैव लो डेंसिटी एंड लो प्रेशर। इस वजह से जो वहाँ की हवा होती है वहाँ पे कम डेंसिटी होती है और कम प्रेशर होता है। एयर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड बट इट्स रेट ऑफ डिक्रीज इज नॉट कॉन्स्टेंट। जो एयर प्रेशर जो होता है वो हमेशा जो है डिक्रीज होता रहता है जैसे ही एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है, पर जो ये डिक्रीज होने का जो रेट है वो इतना ज़्यादा कांस्टेंट नहीं है। द डेंसिटी ऑफ एयर डिपेंड्स अपॉन फॉलोविंग। किसी भी जो है हवा की डेंसिटी इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर अक्रॉस द लैटिट्यूड्स इज टर्म्ड ग्लोबल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स मेन फीचर इज इट्स जोनल कैरेक्टर नोन एज प्रेशर बेल्ट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें प्रेशर बेल्ट होती हैं। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ भी करना है, अच्छे से आप ड्रॉ करेंगे इसे। जो अर्थ है, अर्थ सर्फेस पे बहुत सारी प्रेशर बेल्ट है। ऑन द अर्थ सर्फेस देयर आर इन ऑल सेवन प्रेशर बेल्ट, फॉलोइंग आर दीज बेल्ट। ठीक है, नीचे कुछ बेल्ट के नाम दिए हुए हैं हमारे अर्थ पे जो है। इक्वेटोरियल लो, द सब ट्रॉपिकल हाइज, द सब पोलर लोज एंड द पोलर हाइज। ठीक है, ये बेसिकली चार है। एक्सेप्ट द इक्वेटोरियल लो ऑल अदर फॉर्म मैचिंग पेयर्स इन द नॉर्थन एंड साउथन हेमिस्फीयर। ठीक है, जो इक्वेटोरियल लो है ये तो हमारा जो है मिड में आता है। ठीक है, जो कि 0 डिग्री पे होता है, बीच वाली लाइन जहाँ पे सन की लाइट बहुत ज़्यादा डायरेक्ट पड़ती है। उसके बाद हमारा सब ट्रॉपिकल हाई आता है। सब ट्रॉपिकल हाई हमारा नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। ठीक है, उसके बाद हमारा द सब पोलर लोज आता है। वो सब पोलर लो हमारा नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा जो है पोलर हाइस आएगा। पोलर हमारा नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बाकी सब कॉमन है, बस इक्वेटोरियल लो को छोड़कर नॉर्थन और साउथन हेमिस्फीयर में। डोल ड्रम्स, डोल ड्रम्स क्या होता है, ड्यू टू इंटेंस हीटिंग एयर गेट्स वार्म एंड राइजेस ओवर द इक्वेटोरियल रीजन एंड प्रोड्यूसेज द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट विच एक्सटेंड फ्रॉम इक्वेटर टू अबाउट 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, जो हवा इक्वेटोरियल जो हमारा रीजन है, ये क्षेत्र है, यहाँ पर सन की लाइट बहुत ज़्यादा डायरेक्ट पड़ती है। इस वजह से जो हवा होती है इक्वेटोरियल रीजन में वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, द इक्वेटोरियल लो प्रेशर, जो स्पेस खाली हो जाता है वहाँ पे डेंस हवा जो होती है हमारी, ठंडी हवा जो होती है बाकी एरिया से उस स्पेस को फिल करने के लिए आती है। ठीक है, द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज कैरेक्टराइज बाय एक्सट्रीमली लो प्रेशर विच काम कंडीशन। सरफेस विंड्स आर जनरली अब्सेंट सिंस विंड्स अप्रोचिंग दिस बेल्ट बिगिन टू राइज नियर इट्स मार्जिन। ठीक है, जो विंड्स होती है हमारी, जो हवाएं होती हैं यहाँ पे, वो क्या हो जाता है, स्पेस उसका खाली हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो वार्म होकर हल्की होकर ऊपर की तरफ उठ जाती है। ठीक है, सरफेस विंड्स आर जनरली एबसेंट सिंस विंड्स आर अप्रोचिंग दिस बेल्ट बिगिन टू राइज नियर इट्स मार्जिन। ठीक है, एंड दस ओनली वर्टिकल करेंट्स आर फाउंड। तो इस वजह से वर्टिकल जो करेंट्स है वही यहाँ पर पाए जाते हैं। दिस बेल्ट इज कॉल्ड एंड कॉल्ड अ डोल ड्रम्स बिकॉज ऑफ एन एक्सट्रीमली काम एयर मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ की मूवमेंट जो होती है बहुत ज़्यादा शांत होती है, इस वजह से जो है इसको डोल ड्रम्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इन बिटवीन द इक्वेटोरियल लो एंड द पोलर हाई, जो इक्वेटोरियल लो और पोलर हाई से इसके बीच का जो एरिया है, देयर आर जोन्स ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई एक्सटेंड फ्रॉम नियर द ट्रॉपिक्स ऑफ अबाउट 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लो और हाई पोलर हाई जो है उसके मिड का जो एरिया है वो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में आता है। These are caused by subsidence and
पिलिंग अप ऑफ द एयर, द डिसेंडिंग एयर करेंट्स फीड द वाइंड विंड्स ब्लोइंग टूवर्ड्स एडजॉइनिंग लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, यहाँ पे जो हवाएं होती है वो, तो वो जो लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट होती है उस तरफ जो है जाती है, क्योंकि जो हवा होती है उसकी मूवमेंट, यानी जो विंड्स होती है उसकी मूवमेंट हमेशा जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होती है। ठीक है, यानी जहाँ पे उच्च दाब का क्षेत्र होता है वहाँ से निम्न दाब के क्षेत्र तक होती है। काम कंडीशन विद वेरिएबल एंड फीबल विंड्स इज क्रिएटेड इन दीज हाई प्रेशर बेल्ट कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड। तो जो हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पे क्रिएट होता है इसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इन अर्ली डेज द सेलिंग वेसल्स विद द कार्गो ऑफ हॉर्स फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सेल अंडर सच काम कंडीशन। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे सेलर्स होते थे, यानी जो नाविक होते हैं, उन्हें जो है सेलिंग करने में डिफिकल्टी होती थी। दी यूज टू थ्रो हॉर्सेज इन सी टू मेक देयर वेसल्स लाइट। ठीक है, तो वो जो है जो भी चीज़ें उनके पास होती थी अपने बोट में, तो वो चीज़ें वो जो है पानी में फेंक देते थे ताकि जो है उनकी नाव जो है हल्की हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, अब हम सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बारे में देखेंगे। द सब पोलर लो आर लोकेटेड बिटवीन 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ टू द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल में पड़ता है हमारा। द विंड्स कमिंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिक्स एंड पोलर एरियाज कवरेज द एंड्राइज इन अ जोन बिटवीन 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एंड द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक सर्कल्स रिस्पेक्टिवली ड्यू टू अ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द विंड्स फ्रॉम सब ट्रॉपिकल एंड पोलर सोर्स रीजन साइक्लोनिक स्टॉर्म्स और लोज आर प्रोड्यूस्ड इन द रीजन। ठीक है, यहाँ पे ये जो है पूरा आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल वाला हमारा रीजन है। यहाँ पे जो हाई प्रेशर बेल्ट जो है, हाई प्रेशर जो है हवा का, वो हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो है टेम्परेचर यहाँ पे जो है सब ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम रहता है, तो ठंडा होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लो प्रेशर होने की वजह से जो पोलर हाइज होती है वहाँ का जो है वहाँ की जो डेंस एयर होती है वो यहाँ पर आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। द बेल्ट्स नियर द पोल्स आर कॉल्ड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। जो हमारे पोल्स के पास का जो एरिया होता है वो हमारा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहलाता है। द एयर हेयर इज कोल्ड एंड डेंस। यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और डेंस होती है। देर आर टू मेन कॉज फॉर द प्रेशर। दो मेन कॉज होते हैं यहाँ पे प्रेशर के, डिफरेंट रिजल्टिंग इन टू हाई लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, हाई और लो प्रेशर सिस्टम की वजह से। दीज आर थर्मल एंड डायनेमिक। लोकेशन ऑफ दीज प्रेशर बेल्ट शुड नॉट बी रिगार्डेड एज फिक्स्ड सिंस दे आर बेस्ड ऑन द एनुअल एवरेजेस। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रेशर बेल्ट की वो इक्वल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन हैव अ मार्क्ड इन्फ्लुएंस ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन वाटर एंड द कॉन्टिनेंट्स आर कूलर देन द ओशियंस। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो प्रेशर बेल्ट है कि वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो हैं ओशियंस भी हैं हमारे अर्थ पे। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स भी हैं, कॉन्टिनेंट्स जो है वो ज़्यादा ठंडे हैं कंपेयर टू ओशियंस। हाई प्रेशर सेंटर्स वेयर एज इन समर दे आर रिलेटिव वार्मर एंड डेवलप लो प्रेशर। इट इज़ जस्ट द रिवर्स विद द ओशियन। ओशियंस के साथ जो हमेशा रिवर्स होता है। ठीक है, जैसे जो है इन विंटर द कॉन्टिनेंट्स आर कूलर देन द ओशियंस एंड टेंड टू डेवलप हाई प्रेशर सेंटर। जो विंटर है उसमें कॉन्टिनेंट्स जो है वो कूलर होते हैं, ठंडे होते हैं ओशियंस के कंपेयर में। ठीक है, और जो है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, ओशियंस के ऊपर जो है लो प्रेशर होता है, तो जो हवा है वो कॉन्टिनेंट से सी की तरफ जाती है। ठीक है, वेयर एज समर दे आर रिलेटिव वार्मर। लेकिन समर सीजन में क्या होता है, जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं और जो ओशियंस होते हैं वो ठंडे होते हैं, तो जो जो विंड्स है, जो हवाएं हैं वो हमारी ओशियन टू कॉन्टिनेंट की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये जो है पूरा रिवर्स हो जाता है हमारा सिस्टम समर सीजन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विंड्स। अब विंड्स भी बहुत टाइप की होती है, तो हम एक एक करके जो है विंड्स के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।